पूर्वतन कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आज तांकर नुआ राजनीतिक दल घोषणा करिसेंते जहार नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी घोषणा करबा सहित दलर पताका मध्य उन्मोचन करिसेंते। कांग्रेस तरु संपर्क छिन्न करिवार प्राय मासे परे आज आजाद तांकर निजस्व नुआ राजनीतिक दलर शुभारंभ करिसेंते। एही अवसर रे आज जम्मू रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे उद्बोधन दे से कहिसेंते आमे स्वाधीन चिंता एवं आदर्श रे अनुप्राणित होइतबारो ए दलटी गोटिए गणतांत्रिक दल हेबो। उर्दू एवं संस्कृत भाषा रे मो नुआ दल निमन्ते प्राय 1500 नाम आसीथिला। हिंदी एवं उर्दूर मिश्रण हेउची हिंदुस्तानी। आमे चाहुतिलु नाटी गणतांत्रिक शांतिपूर्ण एवं स्वाधीन हेउ। आम राजनीति जाति अथवा राज्य अंचल भित्तिक हेबो नाही। आगरु कांग्रेस परित्याग करिबा परे जम्मू रे तांकर प्रथम साधारण सभा रे घोषणा करथिले कि से निजस्व राजनीतिक दल आरंभ करिवे। से दलपूर्ण राजित्व प्राप्ति उपरे ध्यान देबे। दल सामग्रिक भावे ध्वंस हो जाइछि कहि 73 वर्ष आजाद अगस्त 26 तारीख दिन कांग्रेस परित्याग करथिले। राहुल गांधी दलर समग्र परामर्श व्यवस्था को नष्ट करथिबा कथा मध्य से कहिथिले। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी पहले 23 तारीख को ये अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि श्राद्ध है तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पे मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और अल्लाह करे भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें, खुशहाली हो, सब खुश रहे, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, जहां जहां भी है। जो पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले ही किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन्स स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट।